क्या हुआ? क्या कर रहा है तू? पागल? अरे कुछ नहीं कर रहा यार। तो आज का व्लॉग कुनाली स्टार्ट करेगा। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम चलाने वाले सुपर कार। हाँ, बहुत दिनों के बाद, मतलब 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं हमने सुपर कार नहीं चलाई थी। फाइनली आज चलाएंगे, बाहर आ चुकी है हमारी सुपर कार, तो आज चलाएंगे। एक्साइटेड? यस, बहुत एक्साइटेड। और गाइस, एक गुड न्यूज है, पूरी फैमिली में सबके पासपोर्ट फाइनली आ चुके हैं। पीयूष, कुनाली, चाचा, चाची, बाकी मम्मी पापा सबके तो थे ही, अब सब जा सकते हैं फॉरेन ट्रिप पे। तो हाँ, आप लोग बोल रहे थे ना कि फैमिली को भी लेके जाओ फॉरेन ट्रिप पे, तो हाँ अब सबसे पूछते हैं सबको कहाँ जाना है। तो पापा जी आप बताओ, फर्स्ट ट्रिप है दुबई की। हैं? दुबई की कहाँ जाना है? दुबई चलेंगे। सबको दुबई क्यों जाना है? एक बार जाएंगे भी, क्योंकि दुबई आसान और बिल्कुल पास में है। गाइज, मैं लंदन घूम के आया ना, तो मैंने वहाँ चीज नोटिस की, वहाँ के लोग ना सैटरडे संडे फुल इन्जॉय करते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं पूरी फैमिली के साथ में। सैटरडे संडे को चिल करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, कैंपिंग करते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था अपने ब्लॉग्स में। तो वहाँ जाके चला पता कि लाइफ को जीना बहुत जरूरी है फैमिली के साथ में। सैटरडे या संडे एक दिन फुल इन्जॉय करो, हमको भी करना चाहिए। पापा जी मैं तो कर रहा हूँ अपनी लाइफ इन्जॉय। भाई कर रहे हो? मस्त। कैसे? मकान में रहना सुबह से सिर्फ एक बार होता खाना खाने, शाम तक प्लॉट में सारा काम करना रहा वहाँ। गाइज ये देखो बाहर ब्लैक पोर्शे, ब्लैक फॉर्च्यूनर, तो आज फाइनली चलाएंगे। चलोगे राइड पे? सब्जी मंडी हाँ। सब्जी मंडी समझ जाएगी पोर्शा? सब्जी छोड़ दो मेरे को, वहाँ छोड़ देना मंडी में, बाहर तो छोड़ सकता है रोड पे। मम्मी को सब्जी मंडी भी पोर्शा में जाना है, आप भी ले जाएगा तो जाऊंगी। तो गाइस पेश है आपके सामने ब्लैक पोर्शा एंड ब्लैक फॉर्च्यूनर, देखो दोनों कितनी मस्त लग रही है, ब्लैक ब्लैक। घर के बाहर ज़्यादा दूर नहीं चलेंगे, पास में ही चलेंगे, क्योंकि रोड खुदी हुई है सारी आसपास की। गाइस हमारे सारी आसपास की रोड सारी खुदी हुई है, क्योंकि रोड बन रही है ना, तो इसको चलाने में थोड़ा खतरा है, बट फिर भी थोड़ा बहुत चलाएंगे आज, बिकॉज बहुत टाइम हो गया भाई चलाई भी नहीं है, लेकिन मस्त धो रखे, देखो फुल चमक रही है ना। इसको चला सकते हैं कभी भी, इसको तो कहीं भी ले जा सकते हैं ना, बट इसको नहीं चला सकते। पहले इसकी रूफ खोलते हैं, तो इसकी रूफ खोलने के लिए हमको बस ये वाला बटन दबाना है। देखो ये चाबी में ये वाला बटन अनलॉक वाला, इसको दबाए रखना है, अपने आप खुल जाएगी देखना आप। ये पहले शीशे नीचे। सबसे पहले हम जा रहे हैं मम्मी को छोड़ने के लिए सब्जी मंडी, मम्मी को सब्जी लेनी है ना, तो एक ही कहीं जाना पड़ेगा, पहले मम्मी को फिर चाची को। अभी इसमें छोड़ दे, फिर बंद नहीं करेगा इसको, ऐसे सब देखेंगे यार। है? सब नहीं देखेंगे ऐसे। क्या? हाँ मत करना। हा? क्या? जोर से घुर्र मत करना, मेरे को डर लगती है बेटा, मेरा दिल बहुत कम कच्चा दिल है मेरा, बिल्कुल थोड़ी सी मैं डर जाती हूं। सब्जी लेने वाला झोला देखो कैसा है मम्मी का। सोसाइटी की बात बंद कर दूंगा, सोसाइटी में तो खुला ही चलो। जय माता रानी, जय माता रानी, जय मत। सीट बेल्ट नहीं लगाया? आ जाएगा कोई। क्या हुआ? क्या कर रहा है तू? पागल? अरे कुछ नहीं कर रहा यार। देख ले इसको, तब तो मेरा मन नहीं करता तेरे आने में, ऐसे ही जाता होगा ना तो बाहर भी। अरे नहीं नहीं, ये चलती ऐसे है। अरे यार सरू। मम्मी कह रही बंद कर ले, बाहर लोग देखेंगे। पहुंच गए। नमस्ते, कैसे हो? अरे बाय। हाँ हाँ, ले लिया। चलो फोर सीटर होती, चलो अब चाची की बारी। बाय 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 बाय। पता नहीं इस गाड़ी को चलाने में डर सा लगता है, एक पता नहीं क्यों, एक तो रोड उतनी अच्छी नहीं है ना यहाँ पे। गाइज एक तो बहुत दिनों के बाद चला रहा हूँ ना, इसलिए मेरे को डर लग रहा है थोड़ा बहुत, बिकॉज आदत छूट गई थी ना, तो अब डेली चलाऊंगा थोड़ी थोड़ी करके ना, तब सही हो जाएगा नॉर्मल। तो आज एक काम करता हूँ, ओनली सोसाइटी में ही चलाता हूँ, लेकिन भाई चलाने में जो फील आता है ना इसको, मन करता है कोई रोड मिल जाए खाली एकदम, जहाँ पे कोई ना हो, और फिर चलाएं इसको। गाइस पीयूष ने ना एक मस्त चीज दिखाई मुझे इसमें, मुझे लगता कि पोर्शे में ना कोई कप होल्डर नहीं होता, कोई कप वगैरह के लिए, बट इसमें होता है एक्चुअल में। देखो यहाँ पे इस तरह से इसको प्रेस करो, और ये देखो इसमें से दो निकलते हैं, इसको ऐसे प्रेस करो, ये निकला एक, इसको प्रेस करो एक और निकला। किसी को समझ में नहीं आएगा भाई, छुपा हुआ है देखो इसके अंदर छुपा हुआ है, पहले इसको दबाना पड़ता है, फिर इनको निकालना पड़ता है ऐसे दबा के। और ये देखो ये एसी के इधर है, मान लो कोई कोल्ड कॉफी या फिर कुछ भी है ना, यहाँ पे रखो वो ठंडा ही रहेगा। चलो एक काम करते हैं, पेट्रोल भरवाने चलते हैं, पेट्रोल इसमें कम है काफी, ये देखो पेट्रोल कम है, 87 दिखा रहा है। सोसाइटी से बाहर निकल गए हैं और फिर डर लग रहा है मुझे अब। क्यों? सोसाइटी से बाहर निकलते डर लगता है मुझे, मेन रोड है ना, और इसमें तो भाई ऑल्टो भी ऐसे लगती है इतनी ऊंची गाड़ी, इसके सामने कोई भी गाड़ी आ जाए ऐसे लगता है इतनी ऊंची गाड़ी है सारी, क्योंकि हम ऐसे इतने नीचे बैठे हुए ना, तो कोई भी ओवरटेक करता है ना एकदम से भाई डर लगता है।
ये देखो भाई सारी गाड़ियां ऊंची लग रही हैं, ऑटो भी ऊंचा लग रहा है, ऑटो भी। पेट्रोल पंप पहुंच गए तो अभी यहाँ पे डल रहा है हमारा पेट्रोल, देखते कितना आता है इसमें। पेट्रोल आया पूरे 4000 का। गई ये देखो हमारे यहाँ पे ना रोड पे काम चल रहा है लेफ्ट में देखो पूरा, तो ये मस्त रोड बनने वाली है आने वाले टाइम में ना, तब मजा आएगा यहाँ पे गाड़ी चलाने में। एक्सटेंड हो रही है पूरी। ये देखो लेफ्ट में पूरा काम चल रहा है ना यहाँ पे देखो, ये पूरे खोद रखे हैं, तो ये रोड चौड़ी होने वाली है मस्त, तब मजा आएगा सुपर कार चलाने में यहाँ पे, जब सारी रोड एकदम मस्त हो जाएगी ना। टाइम लगेगा लेकिन अभी 3-4 महीने तो लग जाएंगे इसको ठीक होने में। सबसे मेन चीज यहाँ पे ना रोड पे लाइट नहीं है तो उसकी दिक्कत हो जाए चलाने में। ये देखो सामने से लाइट आ रही है ना तो दिखता नहीं कितनी बड़ी गाड़ी है कितनी छोटी गाड़ी, दिखता नहीं है अच्छे। देखो अभी देखो दिख नहीं रहा ना, जब प्रॉपर रोड बन जाएगी ना, लाइट्स लग जाएंगी, डिवाइडर बन जाएगा ना, तब सही रहेगा यहाँ पे। तो अभी घर पहुंच गए और ये देखो भाई यार दिन से सो रहे भाई। कुनाली आप 4-5 घंटे सोए हो, रात को नहीं सोना क्या? तो अभी कुनाली कर रहे हैं होमवर्क, लेकिन आज के लिए बहुत खुश है बिकॉज चार जी गए हुए गाँव, कोई डांट नहीं रहा इसको, तो हाँ इसीलिए है कुनाली खुश हो। लेकिन गाइज यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल में जाने के बाद ना पीयूष और कुनाली में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं, तो हाँ देख के मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता भाई, मतलब मेरे लिए बेस्ट फीलिंग है यार, मतलब यूट्यूब पे आने के बाद ना। ये कल कुनाली का प्रैक्टिकल है तो तैयारी है आपकी, किस चीज का प्रैक्टिकल बताओ? कंप्यूटर। कुनाली को थोड़ा बहुत कंप्यूटर तो आता है, पीयूष का गेमिंग भी चलाता है ना ये। अब मैं सोच रहा हूँ कुनाली के लिए ना एक कंप्यूटर ले आते हैं, उससे सारी बेसिक चीजें सीख जाएगा कंप्यूटर के बारे में। मेरी वाट लगने वाली है। वाट लगने वाली है क्यों? दिखाता आपको। बच्चे कैसी बातें करने लगे आजकल, वाट लगने वाली है। आपको सूचित किया जाता है कि विद्यालय में संस्कृत श्लोक गायन का, आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को संस्कृत में परिचय याद करा दें। अच्छा संस्कृत में परिचय देना है तो नहीं दे सकते आप? क्यों याद ही नहीं किया? याद नहीं किया तो करवा देता हूँ आपको, करवा देता हूँ याद। मेरा नाम नकुल जोशी, सुनाओ। मैम नाम नकुल जोशी अस्ति। नहीं सिंपल है, दूसरी लाइन बताओ। आम प्रथम स कक्षाम पठामि। सिंपल तो है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बस यही तो सुना ना, लग गई वाट, ऐसे लगेगी वाट नहीं तो फिर ये भी आसान है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। चलो गुरु वाला सुनाओ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरुवे नमः। हो रहा है ना याद अब? हो रहा है ना? चलो भाई कुनाली को थोड़ा बहुत याद हो गया, अब चलते हैं डिनर करने के लिए, उसके बाद फिर और याद करना ठीक है अच्छे से। पैरों में दर्द। ये तो मेरा भी फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है यार, पानी में फैट डालना। जमा भीग जाएगी तो मैं ऊपर कर लूंगा। मम्मी इतने कम क्यों डाल रहे, पानी ज्यादा होना चाहिए ना। पूरा हो गया बेटा, पूरा ऊपर तक यहाँ तक पानी होना चाहिए, यहाँ तक। मैंने ऐसे सेक लिया ना हाथ, ऐसे नहीं होता। मम्मी के तो पैरों में दर्द रहता है बस, इसको मजा आ रहे हैं। गरम गरम कह रहा है मेरी वाट लगने वाली है। क्यों? फिर वो पर्चा ले गया, कह रहा है ये पर्चा मुझे सुनाना है वहाँ स्टेज पे। मैंने कहा स्टेज पे सुनाना तो याद कर उसको, वाट क्या लगने वाली है। ये जो अभी बोल रहा है मंत्र, मंत्र और उसमें और भी 3-4 मंत्र है उसमें, याद कर लिया सब? सर एक रह गया बस। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा अक्षमा अक्षमा धात्री स्वास्थ्य नमस्ते दे जय तिंडे ही चामुंडे जय भूतायणी जय सर्वते देवी कालरात्रि नमस्ते। याद करने के लिए बोला था वही तो करूंगा ये भी। पता क्या कह रहा, पता क्या कह रहा, कह रहा और पापा जी होते अब तो पूरा इसको याद करा देते। अच्छा याद कराया यार, मेरे को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु भी नहीं याद आ रहा था जब पापा जी पढ़ा रहे थे। सरदार मस्त याद करा थे पापा जी, नहीं करा रहे थे पापा जी के, भी नहीं याद आ रहा था ये बता दो। पापा जी डर लगता क्या? नहीं। तो अब करते हैं डिनर, दाल और रोटी। प्याज डाला है? दाल में प्याज डाला है। डिनर हो चुका है, फिलहाल मैं एडिटिंग शुरू करता हूँ, स्लो करता हूँ। एंड आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। साफ दिख रहा है तैरता हुआ, तैरता हुआ दिख रहा है साफ। लहसुन है, उठा के देख, उठा के देख, लहसुन का तड़का लगा रहा है, उठा के देख। हाँ उठा, चल उठा, तेरी मेरी शर्त, चल। गाइस कमेंट कर देना ये प्याज है ना ऊपर जो तैर रहा है, देखो गाइस उनको क्या दिखेगा। लहसुन है बाबू, नहीं कमेंट छोड़ो, वो निकाल के देखो सीधा। अब डाला है तो बोल दो डाला है, मैं कौन सा कह रहा हूँ ये क्या है बताओ। To know you better.